सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आते हैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपके पास खबरों का जरों का जैनों का साथ लेकर आते हैं आपके पास नई नई खबरें नई जनता सागर जय जिनेंद्र के साथ। आज की तारीख में हर कोई आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु मनाने के लिए तड़पता है, बिलखता है, अरे कहते हैं तपता भी है कि मैं उनको गुरु बनाऊं। अरे ऐसे भी बड़ी संख्या अनेकों हैं जिन्होंने आज तक गुरुवर के साक्षात दर्शन तो नहीं किए पर उनके हृदय में आज भी गुरुवर विराजमान रहते हैं, साक्षात दर्शन को तड़पते रहते हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई उनके हर साल दर्शन करने का सौभाग्य पा रहा हो, यहां तक कि उसने आहार देने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहा हो और वह बार बार जाने वाला अब यह कहता हो कि मुझे आचार्य ऋषि को गुरु नहीं मानना चाहिए, क्या सोचेंगे आप? और यह बात कह दे वो उन्हीं के खास शिष्य मुनिश्री प्रमाण सागर के सामने, तो आपके मुंह से निकला पगला गया है, अरे पागल है, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, कम से कम इतना तो ध्यान रखे। हैरान मत होइए, अगर इनको गुरु नहीं माने तो किसको गुरु माने? मुनि प्रमाण सागर से सुनिए इस सवाल का जवाब, आप भी हो जाएंगे लाजवाब। यह सवाल पूछा था दिल्ली बेंगले के गौरव जैन ने। मेरा प्रश्न मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। पहले मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु मानता था, हम हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं और सौभाग्य से मुझको उनका आहार देने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको अपना गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि गुरु किसी के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी शख्सियत होते हैं जो उनको प्रेरणा दे और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनके सामने जाऊं, उनके सामने शेयर करूं, मैंने कोई गलती की है उनसे मैं प्रायश्चित ले सकूं। लेकिन वहां पर दिनों दिन इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हर भक्त उनकी एक नज़र के लिए ललायित रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी सक्षमता है, इतने गुण हैं कि मैं हर बार उनके पास जाऊं और वो मुझे अपना व्यक्तिगत समय दे सके। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको गुरु मानना चाहिए, लेकिन हाँ इतना कहता हूं कि मुझे उनको भगवान मानना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं और नमोस्तु करते हैं भगवान को और उसके बाद ये कामना नहीं करते कि वो हमें उत्तर दें, इसी प्रकार अगर मैं उनके दर्शन करने जाऊं उनको नमोस्तु करूं तो मेरे मन में ये भावना है कि वो मेरी उत्तर दें, तो क्या मेरा यह चिंतन करना सही है? और अगर सही है तो फिर मुझे अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है, तो मैं अपने जीवन में गुरु का चुनाव कैसे करूं? क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, तो क्या यह सही है? अगर सही है तो फिर हम कैसे चुनाव करें? तो बस मेरी यही क्वेश्चन। मैं तो तुमसे कहूंगा तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरु नहीं परम गुरु का आशीर्वाद मिला, समझ गए। रहा सवाल गुरु से प्रेरणा पाने की, तो मेरी राय में गुरु से जितनी मुखर प्रेरणा हमें मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मूक प्रेरणा काम करती है। गुरु से हम अपनी बात कह कर के जो चीज़ें सीख सकते हैं, अगर हमने गुरु को अपना आदर्श बना लिया तो उनको देख कर उससे हजार गुनी बातें सीख सकते हैं। लेकिन महाश्री उसके लिए शिष्य में भी तो वो गुण होना चाहिए ना? वही आ रहा हूँ। हमने अगर गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार लिया और उसकी मूरत अपने हृदय में बिठाल दी तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये सवाल आ रहा है तो लगता है कहीं न कहीं हम कमजोर है। अभी मेरी श्रद्धा की वेदी में वो जिसे मैंने गुरु के या भगवान के रूप में जाना उन्हें बिठाया ही नहीं है, पहले बिठाल दो। और गुरु को पाने के पहले स्वयं के भीतर शिष्य को जन्म देना जरूरी है, खुद को शिष्य बनाना जरूरी है। अगर मैं शिष्य बन गया तो गुरु का सामने होना कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग तो भाग्यशाली हो, चाहे जब जाके दर्शन भी कर लेते हो, हम लोगों को तो वर्षों हो जाते 19 वर्ष बाद मिला और इस बार भी योग नहीं बन पाया। मैं तो तैयार था लेकिन चूंकि उधर से जब मैं आया था पता थोड़ी था कोविड होगा, इधर के 3-4 पंच कल्याणकों का आशीर्वाद लेकर के आया। अब गुरुजी कहते पहले जो आशीर्वाद लेके आए वो काम पूरी कर लो, तो योग की बात है। तो चाह करके भी नहीं जा पा रहे, पर क्या वे हमारे लिए प्रेरणा नहीं है? उनसे हमें नित्य प्रति प्रेरणा मिलती है।
मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे अन्य लोगों को ये कहना चाहूँगा, भीड़ तो बढ़ती है, बढ़ती ही जाएगी, यहाँ तो फिर भी पास पहुँच जाते हो, भगवान के तो इतने निकट भी जाने की गुंजाइश नहीं है, और बिल्कुल वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, दिनों दिन और कम होगा। लेकिन उन्हें अपने हृदय में अगर तुमने बिठाल दिया, जब आंख बंद करोगे गुरु का सानिध्य पाओगे, और न केवल सानिध्य पाओगे, उनसे वह प्रेरणा भी पाओगे जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। तो गुरु के सानिध्य और गुरु से प्रेरणा पाने के लिए पहले हृदय के आसन में बिठाओ तो सही, जब तक बैठाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने बड़ी बेबाकी से अपनी बात की, बहुत लोग मन के मन में रखते हैं, पर तुम्हारे इस एक सवाल से अनेकों की गुत्थियां सुलझेगी। कई लोगों को आजकल मुझसे भी बहुत शिकायत है, महाराज जी आपका टाइम ही नहीं मिलता। अरे भैया ये बताओ, मेरी भी तो अपनी सीमा है, मैं दिन भर आप लोगों को ही टाइम दूं तो अपने लिए कब करूंगा। एक समझ गए, अभी जितने लोग आते हैं महाराज जी आपका दर्शन, आप मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूं, मेरे पास समय की कमी रहती है, फिर भी आपको दिन में 3 बार तो थोक में मिलता, और कितना चाहिए बोलो, 3 घंटे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, इतने में संतोष करो। इसलिए ये धारणा बदलो कि गुरु के समक्ष जाएंगे, उनकी मुखर प्रेरणा मिलेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अरे हम तो गुरु की झलक देख करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक लब ने गुरु की मूरत से वो पाया जो अर्जुन साक्षात नहीं पा पाया। मैं आप सबसे कहता हूं, अर्जुन बनो या न बनो, एक लब बनने का भाव जरूर रखो, तो जीवन में उपलब्धि होगी। समझ गए, इसलिए गुरुजनों के पास बहुत सारे लोग, खासकर मैं उन पुराने लोगों से कहना चाहूँगा जिनको पहले चाहे जब समय मिल जाता था, अब समय नहीं मिलता तो बड़ी तड़प होती है ना, महाराज जी आप तो मिलते ही नहीं हो। अरे ये भाव रखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो और दूर से भी हम लाभ ले ले तो काम करें। और एक बात और मैं आप सबसे कहता हूँ, गुरु के सानिध्य में आने की भावना तो रखनी चाहिए, पर गुरु का उतना ही समय लेना चाहिए जितना अपेक्षित है, क्योंकि गुरुओं का समय बहुत कीमती होता है, वो औरों के लिए भी होता है। समझ गए, ये सामूहिक मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत कुछ दे देता है। और एक बात और कहूँ, गुरु के उपदेश को आदेश मानकर चलना शुरू कर दो। मैं गुरु के पास जाकर के कुछ मार्गदर्शन लूँ व्यक्तिगत रूप से तभी मेरा कुछ उद्धार होगा, ऐसा नहीं। गुरु तो नित्य उपदेश देते, आज भी गुरुदेव इतने व्यस्त रहने के बाद भी आप लोगों को रोज देते हैं कि नहीं देते, इतनी कड़ाके की ठंड में भी, इस अवस्था में भी। तो जब वो उपदेश देते हैं ना, तो ये सोचो कि ये उपदेश नहीं दे रहे हैं, और गुरु का उपदेश सुनना बंद कर दो, उपदेश सुनो ही मत। क्या बोल रहा हूँ, आज से प्रवचन सुनना बंद, प्रवचन मत सुनना, दोहराऊं, प्रवचन सुनना बंद कर दो। क्या करो, ये गुरु मुझे मेरे लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये मान करके सुनो, सारा रास्ता खुल जाएगा। गुरु के वचन को खुद के लिए मार्गदर्शन मानो, जीवन बदल जाएगा।